गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 इन टीचर्स फॉर ग्रेड 6. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज देयर आर सम रूल्स विच वी नीड टू फॉलो. लेट अस डू दोज रूल्स. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रूल्स. रूल्स ऑफ एडिशन. इसमें बेटा अगर हम प्लस और माइनस वाले नंबर को कर रहे हैं, एक नंबर सपोज प्लस का और एक माइनस का है, तो आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस ही करना है. बट जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, ठीक है. जो बड़े नंबर के आगे साइन लगा होगा वही आपने यहाँ पर आंसर में साइन लगाना है, ठीक है. सेकंड है, अगर दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्लस और प्लस को कर रहे हो, तो आपके पास प्लस आएगा. थर्ड वन, अगर आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, माइनस एंड माइनस है, तो आपके पास आपने उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है. इन दोनों नंबर्स को आपको प्लस करना होगा, ठीक है. और साइन क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर के साथ. प्लस करने के बाद साइन जो है नेगेटिव इंटीजर का आएगा. तो इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं ये क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सपोज हमने किया -9 + 2. अब इसमें देखो बड़े नंबर का क्या साइन है. बड़े नंबर, यहाँ पर बड़ा नंबर आपके पास 9 है. 9 के आगे माइनस का साइन है. अब एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है, इसको करना हमने माइनस. इसको आप कॉलम वाइज लिख सकते हो, -9 + 2. जैसे सिंपल हम करते थे ना प्रीवियस क्लासेस में, सेम वे में हमने इनको माइनस कर लेना. 9 - 2 क्या होता है, 7. अब बेटे हमने यहाँ पर देखना है कि बड़े नंबर के आगे क्या साइन है. बड़ा नंबर यहाँ पर 9 था. 9 के आगे क्या साइन है, माइनस है. इसका मतलब हमने यहाँ पर -7 आ जाएगा. आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -7, ठीक है. अब सपोज अगर यहाँ पर आपके पास 9 - 2 होता, तो 9 - 2 में हमने करना हमने क्या है, माइनस ही करना है, क्योंकि एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है. तो 9 - 2 क्या होता है, 7. तो 7 किस चीज़ के आएंगे, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है. इसलिए हमने क्या लिख देना है, यहाँ पर प्लस लिख देना है, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा. नेक्स्ट है, अगर आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब हमने क्या करना है, जैसे -7 और -2 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हुए, ठीक है. अब हमने यहाँ पर साइन हमारा क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं. जब दो एक जैसे नंबर्स एक जैसे साइन के हैं, तो साइन वो सेम ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होता. बट इन दोनों को हमने करना क्या है, प्लस कर देना है. यहाँ पर हमने रफ में कर दिया, 7 + 2 कर देंगे, दैट इज 9. तो 9 जो है नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है. इसी तरह से देखो 11 - 2, यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 11, ठीक है. मतलब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, साइन लगा लो पहले, ठीक है, प्लस का साइन है. अब करना हमने माइनस है, 11 में से हमने -2 कर देने हैं. 11 - 2 क्या होता है, 9, और साइन प्लस का आएगा, क्योंकि 2 जो है, जो 2 के साथ नेगेटिव साइन है, बट 2 एक स्मॉल नंबर है. बड़े नंबर का साइन देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर प्लस के 9 आ जाएंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट वाला है, इसमें हमने नंबर लाइन में हमने किस तरह से करना है, ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर, ठीक है. आपने इंटीजर्स देखने हैं, फाइंड आउट करना है, 3 more than 5. 3 more than 5 मतलब देन के आगे 5 है, 5 से 3 स्टेप या 3 नंबर आपने ऐड करने हैं, 5 में 3 ऐड करने हैं, ठीक है. मोर मतलब प्लस करना है. जब आपका प्लस का नंबर होगा तो वो अपने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, ठीक है. जब उसने बोला मोर देन, पहले हमने यहाँ पर 5 आ गए, उन्होंने बोला मोर देन, ये 5 पर पहुँच गए. अब पहले 0 से 5 ले लो या सीधा 5 पे, 5 पे पहुँच के हमने बोला 3 more than 5. 5 से 3 स्टेप आगे बढ़ना है आपने, तो काउंट कर लेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया 6 पर, ठीक है. सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप आपका कहाँ पर आया, 8 पर. तो 3 more than 5 is 8. स्टेप्स काउंट कर लेंगे, 3 बोला ना, 3 स्टेप्स आपने आगे चलना है, मतलब 5 के बाद 3 स्टेप्स आप आगे चल लोगे. 1 स्टेप 6 पर हुआ, सेकंड स्टेप 7 पर हुआ, थर्ड स्टेप 8 पर हुआ.
आप यहाँ पर पेंसिल से छोटा छोटा लिख भी सकते हो कि हमारे तीन स्टेप हो गए कि नहीं, पेंसिल से लिखना है बट, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आया, 8 आया। तो यू विल बी राइटिंग आंसर इज इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट कर लेते हैं। जब भी उन्होंने मोर बोला है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना है, ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होंगे। अगर उन्होंने लेस बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है पार्ट बी है 5 मोर देन -5। अब पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है बेटे, नंबर लाइन में हमारे नंबरिंग दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इधर नेगेटिव इंटीजर्स दे देंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। आप ऐसे नंबरिंग लिख के सबसे पहले हमें बोला है 5 मोर देन -5। अब देन के आगे क्या है, -5 है, मतलब -5 में आपने 5 और ऐड कर देना। अब ये रहा आपका -5, ठीक है। -5 में 5 स्टेप्स आपने मोर मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जीरो की तरफ जा रहे हैं। दैट इज स्टेप्स काउंट कर लेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5। तो आप कहाँ पर पहुँच गए, जीरो। आपके पास आंसर क्या आया, 5 - 5 विल बी 0। फिर से बता रही हूँ, 5 मोर देन -5 मतलब हमने पहले -5 से स्टार्ट करना है, देन के आगे -5 है ना, तो -5 से स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नंबरिंग करके आप काउंट भी कर सकते हो कि आपके 5 स्टेप हो। आंसर क्या आया, 0। यू विल बी राइटिंग 0 एज आंसर। अब इसका पार्ट सी कर लेते हैं, 6 less than 2। अब 6 less than 2 नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, नंबरिंग दे दी, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए नंबर्स के बीच में, नंबर लाइन स्केल के साथ आप ड्रॉ करिए, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट करा, 0 जो है सेंटर में होना चाहिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर के सेंटर में दिखना चाहिए आपका, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर लिख लेंगे, 6, ठीक है। अब उन्होंने बोला 2 less than 6, पहले हमारा 2 देखेंगे, 2 ये रहा, लेस देन बोला है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 6 स्टेप मूव कर दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लेस देन 6 है, देन मतलब पहले 2 लिखना है आपने, उसके बाद उसमें 6 माइनस कर दोगे, लेस मतलब कम करना, माइनस कर देंगे, स्टेप्स काउंट कर लेंगे कि आपने 6 स्टेप चले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके पास नेगेटिव आंसर आया, दैट इज आंसर आपके पास आ रहा है -4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसका। अगर उन्होंने लेस बोला, एक बार फिर से बेटा समझ लो, अगर लेस बोला है तो नेगेटिव आपने राइट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होना है, ना कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होना है इस तरफ। अगर प्लस बोला है, मोर बोला है, तो राइट हैंड साइड इस तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। नाउ एड यूजिंग नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन की हेल्प से ये नंबर्स ऐड करने हैं। पहले आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ 9 + 6, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 till 9, इधर भी आप नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 विद द हेल्प ऑफ द स्केल आपने पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 सेंटर में रख के फिर नंबरिंग कर देनी है। अब उन्होंने बोला, पहले देखो 9 जो पॉजिटिव इंटीजर है, 9 पॉजिटिव है, अब -6 यहाँ पर एक्चुअल में आ जाएगा, 9 - 6 ये ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर है ना, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 9 - 6 मतलब माइनस है, तो मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, तो 9 से आपने 6 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले जाना है। तो काउंट कर लेंगे स्टेप्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कौन से नंबर पर आया आपका, 6, 3 पर आया, तो आपके पास आ गया 9 - 6 = 3, यही आपका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 9 - 6 आपका 3 आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसका बी पार्ट कर लेते हैं, 5 - 11
फाइव माइनस इलेवन करना है। तो देखो पहले हमने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद नंबर्स लिख लेंगे, फ्रॉम ज़ीरो से स्टार्ट किया, वन टू थ्री फाइव टिल एट, ठीक है, या फाइव, जितने भी नंबर आप ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम आपके फाइव नंबर तक जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल में फाइव माइनस इलेवन, ठीक है। अब फाइव माइनस इलेवन, माइनस इलेवन मतलब इलेवन से आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होना है। फाइव से लेफ्ट हैंड साइड में इलेवन स्टेप्स कर लोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन। इलेवन आपका कहाँ पर आ रहा है, माइनस सिक्स पर आ रहा है, तो दैट इज फाइव माइनस सिक्स इज इलेवन। वही अगर आप करके देखोगे, फाइव माइनस इलेवन करोगे, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, तो इलेवन माइनस फाइव क्या होता है, सिक्स, बड़े नंबर का साइन आया तो माइनस सिक्स, ये आपका आंसर आ गया। अब हमने बाकी बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं बाकी सम्स, ठीक है, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं यू विल बी ट्राइंग योर सेल्फ। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री, एड विदाउट यूजिंग द नंबर लाइन। अपने नंबर लाइन नहीं यूज करनी है, सिंपली एड करना है इन नंबर्स को, ठीक है। पार्ट ए है, इलेवन प्लस ब्रैकेट माइनस सेवन ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास देखो, सबसे पहले आपने ये समझना है, जब भी आपके पास ये ब्रैकेट में ऐसे नंबर दे रखा, कोई भी नंबर मैंने ऐसे ब्रैकेट ही लगाया है, बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, प्लस और माइनस ये आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपने जो नंबर लिखना है ब्रैकेट ओपन करके माइनस के साइन के साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह से सपोज अगर आपके पास माइनस एंड माइनस, ब्रैकेट में बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है बेटे, ठीक है। सिमिलरली अगर बाहर माइनस है और अंदर ब्रैकेट में प्लस का साइन है, तो भी आपका माइनस के साइन के साथ आएगा ब्रैकेट ओपन करके, ये आप नोट डाउन कर लो इन द नोटबुक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल्स विच यू नीड टू फॉलो, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, माइनस बन जाएगा ब्रैकेट ओपन करके, माइनस का साइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला है, अगर बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर प्लस का है, फिर भी आपके पास माइनस ही आएगा। अब ये करते हैं, लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस। तो 11 प्लस और माइनस, देखो एक प्लस का साइन है एक माइनस का, तो नंबर क्या बन जाएगा, माइनस के साइन के साथ। अब मैंने आपको समझाया हुआ, हमने बड़े नंबर का साइन देखना पहले, 11 यहाँ पर कोई नंबर साइन नहीं है ना 11 के साथ, दैट मीन्स प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक है। अब इस बड़े नंबर का साइन क्या है, 11 है, 11 बड़ा नंबर है ना यहाँ पर, तो प्लस के साइन के साथ है बड़ा नंबर, ठीक है। अब आप इसको सिंपली कॉलम वाइज भी कर सकते हो, जब तो छोटा नंबर है तो इसको सिंपल भी कर सकते हो, अदरवाइज कॉलम वाइज करके 11 माइनस 7 क्या होता है, 4, किसके आएंगे, प्लस के आएंगे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, दैट इज ब्रैकेट माइनस 10 प्लस ब्रैकेट प्लस 19 ब्रैकेट क्लोज। आप देखो यहाँ पर आपके पास प्लस और माइनस का साइन है, बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, प्लस और माइनस माइनस 10 हो गए, इधर दोनों ही प्लस और प्लस के हैं, जो मैंने आपको पहले रूल बताया, प्लस और प्लस, अगर दोनों प्लस और प्लस के नंबर हैं, ये भी आप लिख लो, तो आपके पास प्लस ही रह जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस रह जाएगा, प्लस 19। अब बड़े नंबर का साइन लगेगा पहले, बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस का है, 19 बड़ा नंबर हुआ ना, तो 19 प्लस, दैट इज 9, पहले बड़ा नंबर कॉलम वाइज लिखना है, तो बड़ा नंबर पहले एंड छोटा नंबर नीचे लिखेंगे, ठीक है। 19 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, साइन क्या लगेगा, प्लस का, तो यहाँ पर आपके पास 9 एज आंसर विद द प्लस साइन। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये थोड़े डिफरेंट है क्वेश्चन, ये वाला माइनस माइनस 250 एंड प्लस 150, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही है नंबर। अब माइनस 250 मतलब एक प्लस का साइन है एक माइनस का, तो माइनस 250 प्लस 150, फाइन। आप देखो यहाँ पर पहले बड़ा नंबर क्या, कॉलम वाइज लिख लो, ऐसे बड़े नंबर जब आते हैं तो अपने इनको कॉलम वाइज करना है। बड़ा नंबर क्या है कॉलम, यहाँ पर
250 है नेगेटिव साइन के साथ है, तो आपने पहले बड़ा नंबर लिखना है, साइन नहीं देखना कि इसमें बड़ा नंबर। वैसे तो बड़ा नंबर ये हुआ ना अगर हमने इंटीजर वाइज देख रहे हैं कि बड़ा साइन के साथ इंटीजर्स में बिग नंबर 150 हुआ, बट हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन साइन नहीं देखने हैं अब यहाँ पर। जब आप प्लस और माइनस कर रहे हो ना तो आपने यहाँ पर बड़ा नंबर लिख देना है, साइन नहीं चेक करना, विदाउट साइन आपने देखना है। तो बड़ा नंबर आपके पास 250 है, उसके साथ साइन माइनस का है प्लस 150। अब इसमें देखो प्लस और माइनस, एक बड़ा नंबर एक प्लस का नंबर एक माइनस का, होगा माइनस। अब हमने पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 5 0 एंड 1। अब साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो आपने लगाना है। ये आप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जब आप प्लस और माइनस कर रहे हो बड़े ध्यान से करना है, साइन लगाओगे। देखो अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो इसका टोटली डिफरेंट हो जाएगा, प्लस और माइनस में बहुत डिफरेंस है, प्लस 100 और माइनस 100 में बहुत डिफरेंस है। प्लस जो 100 है वो ज़ीरो के नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आएगा, जो माइनस 100 है वो लेफ्ट हैंड साइड में कहीं दूर दूसरे किनारे चला जाएगा, ठीक है। तो साइन जो बड़े ध्यान से आपने लगाना है। अब इसका ई पार्ट कर लेते हैं, इसी का लेट अस डू पार्ट ई। यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस 380 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस 270, ठीक है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, आप यहाँ पर लिख देंगे प्लस और माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस और माइनस माइनस, माइनस 380 माइनस 270, ये आपके पास नंबर्स आ गए। अब इनको कॉलम वाइज लिख लो, ठीक है। मतलब बड़ा नंबर पहले लिख दिया 380 माइनस 270, 380 के साथ भी माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखो दोनों सेम साइन के साथ नंबर है, मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया, जब दो नंबर सेम साइन के साथ होते हैं लगेगा तो सेम साइन माइनस का ही लगेगा, बट करना क्या है इनको हमने प्लस करना है, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना है, दैट इज 0 प्लस 0 0 8 प्लस 7 इज 15, 5 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 इज 6, 650 माइनस के आगे ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बेटे। फाइंड द सम 137 एंड 354। अब यहाँ पर देखो एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, ठीक है। जो बड़ा नंबर है वो सबसे पहले लिख लो कॉलम वाइज, कॉलम वाइज हमारे पास 354 बड़ा नंबर हुआ, हमने लिख लिया माइनस 354 प्लस 137। अब इसको एक प्लस का नंबर है एक माइनस का, होना क्या है माइनस, इसको माइनस कर लेंगे, ये आ गया 14, ये आ गया 4, 14 माइनस 7 इज 7, 4 माइनस 3 इज 1, यहाँ पर 3 माइनस 1 इज 2। तो साइन किसका लगेगा, यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है 354, 354 के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज माइनस 217 एज आंसर, यू विल बी राइटिंग आंसर माइनस 217। नाउ लेट अस डू दिस पार्ट 4 ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज पार्ट सी। अब पार्ट सी में आपके पास दे रखा है फाइंड द सम, तीन नंबर दे रखे हैं विद द डिफरेंट साइंस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन होगा। देखो 39 के साथ कोई साइन नहीं है, 192 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब इनके साथ प्लस के साइन लगेंगे, और यहाँ पर 312 अलग है। अब बेटे सबसे पहले यहाँ पर हमने साइंस लगा दिए सारे नंबर्स के साथ, 339 प्लस के प्लस 192, क्योंकि उन्होंने ऐड बोला ना, दे आर टेलिंग यू टू ऐड। अब सबसे पहले आपने बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास में ये जो प्लस वाले नंबर्स हैं उनको पहले प्लस आता है, ठीक है। बोर्ड मास में पहले प्लस वाले नंबर्स को ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं बाद में, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स को हमने प्लस कर देना है, 192 प्लस 39, 9 प्लस 2 इज 11, यहाँ पर आ गया 231, प्लस करके यू आर गेटिंग 231। अब यहाँ पर लिख दिया, इनकी जगह हमने क्या लिख दिया 231, 39 और 290। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉलम वाइज लिख लेंगे। ये बड़ा नंबर है 312, ठीक है, विद द नेगेटिव साइन पहले 312 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे 231, ठीक है, प्लस के। अब एक प्लस का नंबर है एक माइनस का है, करना क्या है आपने माइनस करना है। अब माइनस कर देंगे, पहले 2 माइनस 1 इज 1,
11 माइनस 3, यहाँ पर 11 आ जाएगा ना, 11 माइनस 3 इज 8, 2 माइनस 2 इज 0। अब साइन कौन से नंबर का लगेगा? जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है। बड़ा नंबर क्या है? 312। 312 के आगे माइनस का साइन है, माइनस 81 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे, इसमें भी फाइंड द सम है, इसमें मैं आपको पार्ट बी करवा रही हूँ, पार्ट ए यू विल बी डूइंग एज योर होमवर्क। पार्ट बी कर रहे हैं हम, 37 प्लस माइनस 2 प्लस 65 प्लस माइनस 8, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। 37 अब प्लस और माइनस, माइनस 2 प्लस और माइनस, माइनस 65 फिर प्लस और माइनस, माइनस 8। बोर्ड मास लगाएंगे, बोर्ड मास में यहाँ पर सबसे पहले बेटे लाइक साइन वाले नंबर्स को प्लस कर लो। 2 माइनस 8 मतलब माइनस 2 माइनस 8 करेंगे, दैट इज माइनस 10। तो यहाँ पर हमने पहले माइनस 10 लगा दिया, माइनस 10 माइनस 65। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, ठीक है, ये दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, है इन दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं। माइनस 10 माइनस 65 क्या हो जाएगा, 75, ठीक है जी। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, करना क्या हमने, माइनस करना। कॉलम वाइज लिख लेते हैं इसको, माइनस 75 बड़ा नंबर पहले आएगा और जो साइन के साथ नंबर है वो बाद में आएगा, 37 बाद। माइनस करेंगे इसको, 15 माइनस 7 दैट इज 8, ठीक है। अब यहाँ पर 6 आ गया, 6 माइनस 3 इज 3। साइन क्या लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर क्या है, 75। तो ये आपका आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।